स्वागत आपका नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं स्प्रिट्स विला के बारे में। सो इस बार स्प्रिट्स विला में जो है उर्फी जावेद गई हुई है। इसका जो सीजन है वो 14 आ रहा है, 13 पहले आ चुके हैं, तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कितना पॉपुलर है ये शो। और मैंने आज तक इसका एक भी एपिसोड नहीं देखा है दोस्त। बट आज हम कुछ हाइलाइट्स देखने वाले हैं। और अगर MTV या कहीं से भी कोई ये वीडियो देख रहा हो तो प्लीज, मैंने सुना है कि कॉपी ओपीराइट आ जाता है, वीडियो उड़ जाता है, भाई मुझे मेल डाल देना, मैं खुद से वीडियो हटा दूंगा, मेरा वीडियो मत उड़ाना बस प्लीज। तो जिन लोगों को स्प्रिट्स विला के बारे में नहीं पता है, बहुत बढ़िया, अपनी आर्मी के अंदर मुझे ऐसे ही लोग चाहिए दोस्तों। बेसिकली होता क्या, 10-12 लड़कियां बुला लेते हैं अपने शो में, 10-12 लड़के बुला लेते हैं और उन्हें सबको तलाश होती है प्यार की। जितनी भी मैंने क्लिप्स देखी है वो देख के मुझे लगता था इन्हें प्यार की तलाश है, इन्हें सालों को सबको दिमाग की तलाश है, बुद्धि की तलाश है, इन्हें अकल दे भगवान, रोडीज ही समझ लो, इस और कुछ नहीं है। अच्छा भाई, यहाँ पे लड़कियों को लड़कों की बगले सुनवाई जाती है टास्क के नाम पे, तुमको पता है कैसे भाई, कैसे मतलब क्या क्या सोच के लौंडे ऐसे बगल खोल के अपनी खड़े हो गए कि आओ सुंदरियों सुंगो। फुल पसीने में भरे हुए, और उसके बाद सनी लियोनी आपके पास आती है और आपके अंडर आर्म्स को स्मेल करती है। बताओ भाई यार, मतलब पैसे के लिए ये सब करना पड़ता है या बगले सुननी पड़ रही है किसी ना किसी की? यार कुत्ता मरा हुआ है, चूहा मरा हुआ है, क्या मरा हुआ है तेरी बगल के अंदर? ऐ बे, क्या मरा हुआ है तेरे बगलों के नीचे है? कब से नहीं नहाया, 10 दिन 20 दिन? ये तो धोती खोल रहा है या फिर तेरे परफ्यूम की बोतल में छिपकली मूत के चली गई? तेरी गोल से चुपर आंदा साडे हाथ च रुमाली। बताओ भाई, मैं नहीं बताऊंगा। ओके स्टिंकी बॉय। टूटा हुआ साज हूं मैं, सैड लाइफ ब्रो। ओके, पुराने सीजन की बात नहीं करते हैं, हम बात करेंगे उर्फी जावेद के बारे में। सबसे पहले तो बता दूं, जो भी लोग इस शो के अंदर आते हैं वो कोई खास सेलिब्रिटी वेलिब्रिटी नहीं होते भाई, इंस्टाग्रामर, टिकटॉकर या फिर किसी सीरियल में साइड एक्टर होते हैं सब। कुल मिला के मैं कहना चाह रहा हूँ सारे के सारे जिंदा बेरोजगार होते हैं और कुछ नहीं। नहीं बोला, तुम्हें भी नहीं मिला। अच्छा तो कैसे लड़ाई शुरू हो गई? यू जस्ट केम, यू कॉल्ड मी अ बेस, बट यू लुक लाइक अ, यू नो व्हाट, आई नो यू साक्षी त्रिवेदी, राइट? 1 मिलियन फॉलोअर्स, 7000 लाइक, जा जा अपना मुंह दे। भाई ये तो कैट फाइट शुरू हो रही है शो के अंदर, एक दूसरे को कुतिया कुतिया गा रहे हैं। ले बताओ, उर्फी कह रही तेरे 1 मिलियन फॉलोअर है, 700 लाइक नहीं आते। लेकिन उर्फी तू भी इतनी चौड़ी क्यों हो रही है? तुम भी अगर अपने कपड़े चीर फाड़ करके ना पहनो तो तुम्हारे भी लाइक्स ना आएंगे 700 से ज्यादा। आपने मुझसे कुछ कहा? इस बत्तख सी शक्ल पे कोई 7 लाइक ना करके जब तुम तो 700 की बात कर रही हो। मैं बहुत बुरे हालात में आ चुका भाई, पूरा वीडियो देखना मुझे, रुक जाओ, क्या बात क्या हुई इनकी, कैसे बिच बिच करना शुरू कर दिया उन्होंने एकदम से। Beautiful and she has the most beautiful sense of style. है? Sense of style, most beautiful? आप जो बोल रहे हो आपके कान में जा रहा है? सनी इतना झूठ नहीं बोलना होता पैसे लेने के बाद, गलत बात। अच्छा मोस्ट छपरिया सेंस ऑफ क्लोथिंग में नाम आना चाहिए भाई उर्फी का, वो भी बड़े बड़े शब्दों में। I love this. She looks like a queen. Queen, queen बता रही लो भाई से यार, मुझे तो रोना। She looks like a queen. कल बैठ के मैंने बनाया यार। पूछा किसी ने? हरा ढंग के कपड़े पहन के चली जाती यार ना, ठीक है डिसेंट दिख रहा है, ढंग के ही है वैसे, जिस हिसाब से पहनती है ये, उन्हें देख के तो मैं इन्हें डिसेंट ही कहूंगा मेरे दोस्त। तेरी रात भर जाग के बनाए मैंने भयंकर, कोई भी बुराई मत कर दियो, अभी तो लड़ाई शुरू होगी, रुक जाओ। भाई ऐसी हवा हवा में लड़ाई शुरू हो गई इनकी, कुछ रीजन नहीं मिला मुझे, मेरा टाइम और बर्बाद हो गया यार 10 मिनट पूरा वीडियो देखने में। ओके गाइस, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जहाँ पे तुम अपने सिंपल ओपिनियन शेयर करके मनी अर्न कर सकते हो, जैसे कि क्रिकेट में आज कौन सी टीम जीतने वाली है, आज बारिश होगी या नहीं होगी, फुटबॉल, क्रिप्टो, एंटरटेनमेंट, इन सारी कैटेगरीज में तुम अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हो यहाँ पे। मैंने भाई अच्छे खासे पैसे अर्न कर लिए यहाँ पे सिंपल जवाब देकर, तुम भी आसानी से कर सकते हो। सिंपल सवाल होते हैं यहाँ, जैसे पिछली बार सवाल था कि क्या इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज जीतेगा, तो हार्दिक पांडे की कैप्टनशिप देख के और सूर्य कुमार की बैटिंग देखने के बाद मैंने यस चूज किया था, और तुम मानोगे नहीं मैंने थोड़ा सा इन्वेस्ट किया था और मुझे काफी ज्यादा फायदा हुआ उधर से। T20 खत्म होने के बाद ODI शुरू हुआ है, तो सवाल है क्या इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाला थर्ड ODI जीतेगा? तो मेरा आंसर है यस, तो मैं यहाँ पे कुछ पैसे सबमिट करूंगा और जैसे कि मैं बहुत ज्यादा श्योर हूं तो क्वांटिटी स्लाइडर को इंक्रीज कर दूंगा और अपना ओपिनियन सबमिट कर दूंगा। हर सही ओपिनियन पे मिलने वाला यहाँ पे रियल कैश, इसको तुम इजीली विड्रॉ कर सकते हो अपने UPI, पेटीएम बैंक अकाउंट में, गली मोहल्ले या नुक्कड़ पे ओपिनियन देने से अच्छा प्रोमो एप्लीकेशन पे दो 10 मिलियन लोगों की तरह। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, वहां से जाकर तुम प्रोमो ऐप डाउनलोड करो और ₹25 तक का वेलकम बोनस पाओ। Oh my God.
चलते हुए हमारे पास और पास और पास। भाई ये लोंडा लिटरली स्केट बोर्ड लेके आ रखा। क्या भाई इतनी जल्दी है क्या तुझे? लड़की बिठाने ये कि आऊंगा और इस पे बिठा के ले जाऊंगा सीधे से फुर। ये तो बालों की दुकान है। चिड़िया का घोंसला है और ये चिड़िया के घोंसले के अंदर भीम चिड़िया टट्टा है। And now I would love to beatbox for you incredible women. ले भाई ये तो चीता बनना सबके बीच मजाक है। अब बीट बॉक्स, अरे गाना वाना गाता है हर लव लव सॉन्ग सॉन्ग बीट बॉक्स में कौन फिदा होगी यार। बीट बॉक्स करने के चक्कर में तेरी मुंह की थूक और पहुंच जाएगी एक आध के चेहरे पर और कुछ नहीं। मुझे पिछला जीतना वेरी क्लियर अबाउट दैट। आई हैव अ वेरी डोमिनेटिंग नेचर, आई एम अ टेरिटोरियल मैन। भाई ने क्या क्या कह दिया, टेरिटोरियल मैन होगा कुछ यार। मैं गूगल करके टाइम बर्बाद नहीं करूंगा अपना। I'm the king of the jungle. उसने आते ही बोल दिया। अच्छा ठीक है समझ गया। I'm dominating and I was like भाई वापस जाओ तुम। कौन है भयंकर ये भकलेंड सा लौंडा। सो गाइस मैं जस्ट अभी स्पिट्स विला के इंस्टाग्राम अकाउंट पे आया तो भाई मुझे यहाँ पे इनकी इंट्रोडक्शन वीडियोस मिली। उसमें क्या मिला मुझे आओ देखो। एक तो भाई पता नहीं इन लोगों को सबको बॉडी दिखाने का क्या शौक है, इसकी तो है भी नहीं दिखा क्या रहा है तू है। फ्लैट पड़ा तेरा पूरा का पूरा पेट चौड़ा हो रहा और ऊपर से आके बीच पे नंगा घूम के साले। Honestly, in my life I've been into a lot of casual. इसका तो मुंह भी टेढ़ा भाई। इन्हें बनना डोमिनेटिंग अल्फा मेल। ले इसका मुंह तो भाई पहली तोड़ के भाग रखी कोई लॉन्डिया में, सही बता रहा। lot of hookups, lot of casual dating. भाई यो कह रहा है यो पिछले 3 साल से जिंदा लॉन्डिया बाजी करने पे लगा हुआ है। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में। hookup, casual relationship, ये सब okay. चुदने कम चिल्लाना ज्यादा है। And long nails, long heels, thick thighs. Beautiful eyes. खुद का मुंह टेढ़ा, एक और लाल किला तो दूसरा ताजमहल जाने पे रहा और इन्हें चाहिए thick thighs, big ass, beautiful eyes. अरे लौंडे भगले यहाँ से, जा साले चप्पल निकाले का मारूंगा मैं ही, कोई मारे ना मारे। डिमांड देखो भाई, डिमांड लूंडे की। हाँ भाई खुद की हरकत है इसकी, आंट से नीचे चाहिए लड़की चांद सी। नहीं देखो तुम कह सकते हो धीरू किसी के फिजिकल अपीयरेंस पे तुम जोक नहीं मार सकते, तुम बहुत गलत हो, तुम बहुत हरामी रोस्टर हो, शर्म करो भगवान से डरो। लेकिन ये कौन सा तमीज का इंसान है बे, ठीक थाइस भी गेस चाहिए भैया को तो कैसे नहीं बोलूं मैं, इसका मुंह टेढ़ा जब टेढ़ा है तो। आओ आगे की बात को सुने इसकी। मुझे पता चला कि ही इज हाफ बंगाली एंड हाफ पंजाबी और फुल फुल टाइम चूज किया। ऑफ द फोर ऑफ अस हु यू लाइक द मोस्ट? अरे इससे बढ़िया तो वो घोंसला तो सिर पे लेके घूम रहा वो लग रहा, कम से कम उसका मुंह तो टेढ़ा नहीं है बहन। थैंक्स, नाइस टू मीट यू। साले इमरान हाशमी की जिंदा आत्मा लेके घूम रिया अपने अंदर और कुछ नहीं, वो हक करने को आगे बढ़ी, इन्हें चूम दिया। चूम 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 तहम जाओ भैया। थोड़ा थैम जाओ भैया। भाई इतना भी कूल बनना नहीं होता तुम्हें, लड़की जो भाई भैया कह के चला जाए तुम्हें गाल पे किस करने के बाद भी भैया सबका हाथ है ऐसे वैसे। पंचायत जम रही दोस्तों यार ना पूरी की पूरी। अभी ये कह के कि बता तुझे कौन सा पसंद आया, वो वाला वो वाला ना, वो तो बड़ा हरामी उसके पीछे मत जाइए बहन। जिसका मुंह टेढ़ा होगा वो सबसे हरामी है। कोई लड़की है वो डोमिनेटिंग भाई, झगड़ा शुरू लफड़ा। यस यस लफड़ा तो चाहिए भाई, मजा नहीं आ रहा इतनी देर से देख रहा हूँ। हाँ फिर तेरी मम्मी का परोठे खा जाऊंगा। लड़कियों का कंफर्ट और सेफ्टी एक ऐसा इशू है जिसके बारे में मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूँ। ये लौंडा तो अच्छा निकला यार, लाइज मैं बेकार में मजाक उड़ा दी इसकी मैंने, उसकी स्की और इसके स्केटबोर्ड की। क्या करना, टास्क करते टास्क करते टास्क करते, क्या हो गया, चश्मे निकाल के क्या डॉन बन जाएगा, क्या हो गया। बिग बॉस शुरू हो गया भाई इधर तो यार, स्पिरिट्स बिला के नाम पे सस्ता बिग बॉस ही है वैसे तो ये। मेरा वीडियो मत उड़ाना बस प्लीज। अच्छा Rattle me bro, alpha male, I've got so much testosterone in my stop bro, you don't scare me my dude. भाई ये लौंडा तो बनी है यार। ये जो मेरी गांव में बहुत गुदा मार मुझे, मेरी गांव में बहुत गुदा। So why are you on this show? Because people know just that Urfi. जो मीडिया दिखाती है, समझ गया Till समझ गया। No one has seen the real Urfi. I chose this show because it was the best way I could bring out my personality to the youth.
अगर तुम्हें नहीं पता हो तो भाई ये बिग बॉस करके आ चुकी है पहले, और बिग बॉस इससे तो स्पिरिट्स विला से तो ज्यादा फेमस है। वहाँ तुम्हारी पर्सनैलिटी यूथ को नहीं दिखी क्या, या फिर पूरे टाइम गार्बेज बैग की ड्रेस बना के पहनने में ही निकाल दिया तुमने? भाई बताओ बिग बॉस गई वहाँ कुछ नहीं मिला तो गार्बेज की जो पन्नी होती ना ब्लैक वाली, उससे ड्रेस बना बना के पहन के घूमिए। चू 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 चू। तो मतलब आप सच में कोई प्यार करेक्शन ढूंढ रहे हो? कोई लड़का क्यूट लगेगा, कोई डिंपल वाला, थोड़ी सी चम्मच। भाई डिंपल पड़ने चाहिए यार गालों में है। अपने तो कुछ ना भाई, फेस पैड इतना और आगे कहाँ डिंपल दिखेंगे। डब्बा डब्बे में खरगोश हो गया, उर्फी जावेद को पहली बार देखे में हो गया ना बुरा भाई, इतनी बुरी पिकअप लाइन ऐसे मारो कि तुझे लगे यार। कमर देख काम कर। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। डब्बे में डब्बा, डब्बे में पानी, क्या तुम बनोगे मेरे सपनों? ये भी बारह चाहिए। थोड़े से ही इम्प्रोवाइजेशन से इसने दो पिकअप लाइन बना दी। मुझे भी देख रहे हो बे, मैं कब कह रहा हूँ कि मैं ऐसे ही करके जोक पे जोक बना देता हूँ। 3, 2, 1 जिन्हें नेगेटिव कमेंट आ रहे ताड़ी पहन दी ला। मेरे को नहीं चाहिए पानी खरगोश कुछ और नहीं। कैंची दे, कतरे दे, फटे पुराने कपड़े दे, वो चाहिए इसे। तेरी पिकअप लाइंस नहीं चाहिए इसको। लड़के बहुत अच्छे लगे, मतलब इस बार काफी हैंडसम लड़के लिए हैं। लड़के ही बत्तख जैसी ले लिए बस सारे के सारे। कुछ भी कह दे, 10 गाली बक जाए मैं सुन लूंगा। ये इन्हें क्या कर दिया यार? Women. Told me that he came to you. He was trying to, you know, not trying to. Said that. पलट गई। कह रही हूँ तूने कहा था ना मुझसे आगे की कोशिश कर रहा था तुझ पे लाइन मारने की। तुमने कह दी ना, मैंने कब कही? मैंने कुछ नहीं कही। यहाँ पे बहुत इजी होता है वर्ड यूज करना लड़कियों के लिए। अरे इट इज नो, जोकिंग, यू कैन चिल। जोकिंग दोस्त, जस्ट जोकिंग। लड़की ने जोक में ठरकी ही तो बोला है, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन लड़का अगर जहाँ कुछ बोल दे वहीं भसड़ पैदा हो जाएगी। माने मैं मेरा बहुत कुछ है लेकिन मैं बत्तख बोलना चाहूंगा बस इसको, फिर से और कुछ नहीं। चैलेंज का नाम है टेस्ट ऑफ लव। अच्छा, इन्हें एक पिज्जा बनाना है जिसके अंदर जो इन्हें आटा मलना है वो मलना है अपनी राम कली से, अपनी बुंड से दोस्तों। और उसे कह रहे हैं टेस्ट ऑफ लव, और अपने टू से उस पिज्जा को बनाए। अरे भाई डरा दिया, क्या कर रहा है भाई? इतनी खुशी किस चीज की? क्या बना दिया इन्होंने? आटे के ऊपर कच्ची सब्जी रख के तो खुश हो रहा है, पिज्जा कह रहे हैं ये। ओके भाइयों, इतना ही हम देखेंगे, इससे ज्यादा तो मेरा दिमाग है ना वो स्क्रीन को और ज्यादा प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो अगर तुम्हें इतना वीडियो देखने के बाद आया हो मजा तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। ओके प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। रोला काटना है, रोला जल्दी से 4 मिलियन करने हैं। ओके।